टाटा अल्ट्रोज इस गाड़ी की सेल फिगर पर काफ़ी भारी गिरावट नज़र आ चुकी है। तो ऐसे में टाटा कंपनी टाटा की अल्ट्रोज को नए वेरिएंट के साथ इंडिया में इंट्रोड्यूस करने वाली है। टाटा की बाइक जो अल्ट्रोज है, नो डाउट गाड़ी के लुक्स, फीचर्स और गाड़ी के बिल्ड क्वालिटी पर कोई हाथ नहीं उठा सकता, लेकिन यार भाई इंजन की रिफाइनमेंट पे हाथ पैर सब उड़ जाएगा। लेकिन खैर ये सब छोड़ते हैं, बात करते हैं टाटा के अल्ट्रोज के बारे में। तो भाई कंपनी जो है इस गाड़ी का फेसलिफ्ट वेरिएंट इंडिया में लॉन्च करने वाली है, क्योंकि भाई गाड़ी के लुक्स समय समय पर चेंज करना ज़रूरी होता है भाई, हर एक चीज़ का वक्त होता है। और टाटा की जो अल्ट्रोज है इसका वक्त जा चुका है और नया वाला वेरिएंट आने का टाइम आ चुका है। तो बात करते हैं आपको आने वाली अल्ट्रोज में क्या क्या चेंजेस मिल जाएंगे। सबसे पहले भाई बात करते हैं लुक्स। तो भाई लुक्स जो होते हैं ना वो मैटर करते हैं कि गाड़ी की सेल फिगर कैसी रहेगी, उसके बाद जो है भाई मैटर करती है परफॉर्मेंस, फिर भाई मैटर करता है फीचर। भाई इंडिया में प्राइस तो कोई देखता ही नहीं है, लेकिन आज जो है ना सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइस के बारे में। तो भाई जो अल्ट्रोज है ये आपको अभी मिल जाती है 6,64,000 रुपये से लेके 10,80,000 रुपये के बीच में एक्स शोरूम। तो इसका भाई जो नया वेरिएंट आएगा फेसलिफ्ट, उसमें जो है भाई प्राइस आप लोग मान के चलो 40,000 से 50,000 रुपये ईजिली बढ़ जाएगा। इतना रुपये तो भाई बढ़ना बनता ही है। अब जो है बात करते हैं गाड़ी के इंजन के बारे में। भाई अल्ट्रोज में आपको मिल जाएगा 1199 सीसी का इंजन, यानी कि आपको मिलेगा 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। और अल्ट्रोज जो है आपको पेट्रोल और सीएनजी दोनों ही ऑप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। अल्ट्रोज जो है आपको अब थोड़ी सी ज़्यादा पावर फिगर आउटपुट देने वाली है, क्योंकि कंपनी जो है अल्ट्रोज के इंजन को रीट्यून करेगी भाई, जिससे कि पावर आउटपुट आपको ज़्यादा मिलेगी। जो अल्ट्रोज है इसमें अब आपको करीब करीब 99 HP का मैक्स पावर मिलेगा, और भाई जो टॉर्क होगा वो आपको लगभग 122 Nm के आसपास तक का देखने को मिल जाएगा। साथ ही अल्ट्रोज जो है आपको 18 से 20 के बीच में माइलेज देने वाली है, और इसका भाई जो टॉप स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगा। भाई टॉप स्पीड आपको 170-175 के आसपास तक की देखने को मिल जाएगी, बाकी भाई और भी चली जाती है स्पीड वगैरह। इंजन जो है वो आपको ऑलमोस्ट देखने में सेम रहेगा, सिर्फ भाई जो RPM है वो इंक्रीज़ होगा, और भाई जो कूलिंग सिस्टम है कंपनी उसे अपडेट करेगी भाई, जिससे कि ओवरक्लॉक करने में कंपनी को भी और गाड़ी को भी मज़ा आ जाएगा। अब जो है बात करते हैं डायमेंशंस के बारे में। तो अल्ट्रोज जो है आपको मिल जाएगी 3,990 mm लंबी। भाई चौड़ाई आपको मिल जाएगी अल्ट्रोज की 1,755 mm की, हाइट आपको मिल जाएगी 1,523 mm की, व्हील बेस आपको मिल जाएगा 2,501 mm का, वजन जो है भाई मान के चलो 50 kg के आसपास तक तो बढ़ जाएगा। साथ ही भाई इसका भाई जो है ट्रंक क्लियरेंस वो आपको मिलेगा 165 mm का। अल्ट्रोज में आपको मिल जाएगी सीटिंग कैपेसिटी 5, डोर्स आपको मिल जाएंगे 5, जो कि यार भाई काफ़ी ठीक रहने वाले हैं। और इसका जो होगा बूट स्पेस वो आपको 345 लीटर का मिलेगा। फ्यूल टैंक कैपेसिटी कंपनी जो है इंक्रीज़ कर देगी, अभी आपको अल्ट्रोज में मिल जाता है 37 लीटर का फ्यूल टैंक को, तो कंपनी जो है उसे 40 लीटर पूरा कंप्लीट कर देगी। साथ ही भाई जो CNG वाला वेरिएंट होगा उसमें CNG की जो कैपेसिटी है कंपनी उसे भी इंक्रीज़ कर देगी, जिससे कि आपको रेंज काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगी। और भाई CNG पे जो है गाड़ी की पावर आउटपुट, माइलेज और स्पीड सब अलग अलग निकलता है, वो आप पहले से जाने रहना। साथ ही भाई अल्ट्रोज में अब आपको ब्रेक को भी लेके अपडेट देखने को मिलेगा। अल्ट्रोज में आपको फ्रंट में मिल जाएगी वेंटिलेटेड डिस्क, बाकी जो है भाई पीछे आपको मिल जाएगा डिस्क, जो कि पीछे वाली आपको सॉलिड डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगी। बाकी जो है गाड़ी में आपको रेडियल माउंटेड कैलिपर देखने को मिल जाएगा अल्ट्रोज में। साथ ही ये गाड़ी ABS, EBD, हिल असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल के साथ देखने को मिलेगी, जो कि आपको राइडिंग में काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा। साथ ही भाई आपको जो है ना बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फील हो जाएगा अब अल्ट्रोज में। और इसका भाई जो टायर की प्रोफाइल है अल्ट्रोज की वो आपको 195/55R16 की मिल जाएगी।
टायर की जो भाई प्रोफाइल है वो इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं, लेकिन भाई वो कुछ टॉप मॉडल में ही रहेगा। और इसके जो व्हील्स हैं भाई वो आपको अलॉय व्हील के साथ देखने को मिलेंगे, और अल्ट्रोज जो है आपको डुअल टोन मैट फिनिश डायमंड कट अलॉय व्हील के साथ देखने को मिल जाएगी। और इसका भाई जो स्पेयर व्हील होगा वो आपको 165/80R14 का मिलेगा, और भाई जो स्पेयर व्हील है वो आपको स्टील व्हील के साथ ही मिलेगा, उसका कोई भी अलॉय का वेरियंट नहीं आएगा, चाहे आप जो वेरिएंट ले लो। अगर भाई बात करें गाड़ी के फीचर्स, तो भाई इसमें आपको मिल जाएगा काफ़ी अच्छा ORBM भाई, जिसमें कि आपको इंटीग्रेटेड DRL मिल जाएंगे, साथ ही भाई अल्ट्रोज में आपको बोतल होल्डर वगैरह मिल जाता है, फास्ट आपको चार्जिंग के पोर्ट्स मिल जाएंगे, और भाई इसमें आपको मिल जाएगा स्लाइडिंग फ्रंट आर्मरेस्ट भाई, जो कि आप भाई जान ही रहे हो कि वो आप स्लाइड कर पाओगे। और इसमें जो है भाई आपको मिल जाएगा कुछ स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल वगैरह मिल जाएगा, और भाई इसमें आपको पावर आउटलेट मिल जाएगा फ्रंट में भी और पीछे में भी, और भाई इसमें आपको पीछे के AC के वेंट भी देखने को मिल जाएंगे। भाई गाड़ी में जो है भाई आपको वॉइस अलर्ट देखने को मिलेगा भाई, जो कि आपको भाई गाड़ी बताएगी कि आपने इमरजेंसी ब्रेकिंग की है, साथ ही भाई कीलेस एंट्री मिल जाएगी, रियर डिफॉगर मिल जाएगा, रियर वॉशर वाइपर मिल जाएगा, और भाई इसमें आपको मिल जाएगा पावर विंडो चारों भाई, जो कि टॉप वेरिएंट में होगा। और इसमें जो है भाई लुक को लेकर कंपनी काफ़ी बड़े अपडेट्स करने वाली है, इसमें जो है भाई आपको सनरूफ वगैरह देखने को मिल जाएगा, और अल्ट्रोज में जो है भाई आपको नई LED की हेडलाइट देखने को मिल जाएगी, जो कि रखी जाएगी प्रोजेक्टर की, साथ ही भाई गाड़ी में आपको नए शेप के LED के मिल जाएंगे DRLs, बाकी जो भाई टाटा का लोगो है वो आपको 3D में देखने को मिल जाएगा, जो भाई ग्रिल होगी वो आपको पियानो फिनिश में देखने को मिल जाएगी, और टाटा की जो अल्ट्रोज है भाई कुछ डार्क एडिशन के साथ आएगी, साथ ही भाई डुअल टोन का भी आपको कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, बाकी जो है भाई सनरूफ वगैरह कंपनी आपको प्रोवाइड करा देगी। गाड़ी के भाई जो पूरे बॉडी हैं, चाहे वो पिलर ए हो, बी हो, सी हो, या फिर बोनट हो, बम्पर हो, साइड के भाई पैनल्स हो, वो सब कंपनी रीडिज़ाइन कर देगी। साथ ही भाई अल्ट्रोज में आपको नई शेप की LED की टेल लाइट मिल जाएगी, और भाई जो है पीछे आपको अल्ट्रोज की 3D में ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, साथ ही भाई जो वेरिएंट होगा आपको उसका ब्रांडिंग देखने को मिलेगा, और अल्ट्रोज का भाई जो फेसलिफ्ट वेरिएंट है वो आपको अगस्त या फिर सितंबर महीने में लॉन्च होता हुआ देखने को मिल जाएगा, और इससे पहले जो है भाई कंपनी लॉन्च करेगी अपनी टाटा की कर्व को, उसके बाद जो है भाई अल्ट्रोज लॉन्च की जाएगी। अभी जो है भाई अल्ट्रोज को लेकर कंपनी ने कोई भी अपडेट नहीं दी है, और इसका भाई जो मीटर कंसोल है वो आपको 17.78 सेंटीमीटर का देखने को मिल जाएगा। भाई जो हेडलाइट वगैरह है वो ऑटोमेटिक रहेगी, और इसका भाई जो लोग वेट करना चाहते हैं वो वेट कर सकते हैं। और जो है भाई गाड़ी में आपको बहुत से फीचर देखने को मिलेंगे भाई, अगर सारे फीचर गिनाना स्टार्ट करूँगा तो भाई वीडियो मान के चलो 28 से 30 मिनट की बन जाएगी। तो भाई ये सब कुछ आप लोग जान लो कि कंपनी गाड़ी में क्या क्या अपडेट करने वाले भाई, जो खास अपडेट थे, और प्राइस कितना बढ़ेगा, और गाड़ी कब तक लॉन्च होगी, भाई ये मेन अपडेट था, तो ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो भाई जो वीडियो है लाइक कर देना, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।